बटन हो रही है, आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। ईसल बेटा बर्तन धो रहे हो, थोड़े साफ सुथरे धोना बर्तनों को, अच्छी तरह से साफ साफ पानी से धोना। और बताइए बिटिया कैसे धो रही हो? हाँ ऐसे धोया करो बर्तनों को, हमारी बेटी बड़ी हो गई है अब बर्तन धोने लायक, इसका नाम है ईशल। ये देखिए कैसे धो रही है हमारी बिटिया बर्तन। साफ सुथरे करके बर्तन धोने चाहिए, फिर जब छोटे से सीखते हैं तभी तो बड़े होके काम करते हैं, नहीं तो काम भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारा घी बनना है देसी, क्योंकि हम जो दूध रखते हैं उसकी मलाई से बनाते हैं, ये काफ़ी टाइम से मलाई हो चुकी थी, ये लगभग हमारी जो क्रीम बन गई थी 2 किलो करीब थी, तो इसमें लगभग 1 किलो के करीब घी निकलेगा हमारा। कितना प्यारा देखो टेक्सचर आ रहा है इसका, ये देसी घी बनाने का तरीका है, अपने घर पे बनाओ घर पे खाओ, कोई केमिकल वाला घी नहीं बनेगा। बहुत प्यारा घी बनेगा ये। इसको चलाते रहना है क्या ऐसे ही? इसको चलाने से घी नीचे लगेगा नहीं तो महक नहीं आएगी उसके अंदर, इसको छोड़ देंगे तो महक आने लगती जलने की। चलाते रहो, उसके बाद में जब टेक्सचर इसका जलने लगेगा, ब्राउन होने लगेगा, तो ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है, फिर ये बढ़िया सा घी बन जाएगा। फिर हल्का सा ठंडा हो जाए फिर इसको छान लो दूसरे में, घी अलग हो जाता है और इसका जो मिल्क केक जैसा टेक्सचर जो होता है वो अलग हो जाता है इसका। ऐसे निकालो, टोटल प्रोसेस करने में काफ़ी दो घंटे करीब लग जाते हैं। ये देखिए टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा खाने भी तो हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। हाँ इसको कम से कम 2 घंटे लगते हैं घी बनाने में, तो इसको जलाना पड़ता है। कितने दूध की मलाई? कुछ ही देर में, लगभग 10 मिनट में घी बन के तैयार हो जाएगा। कितनी मलाई थी? 2 किलो? 2 किलो तक तो हो गया, 1 किलो निकले। मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है घी की, देखने में कलाकंद जैसा, कलाकंद नहीं बोलते उसको, वो होते हैं मिल्क केक, मिल्क केक कितना लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे घी किसने बनाया है कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। इसको लगभग आधा से पौना घंटा हो चुका, देसी खाएं, देसी अपनाएं। अभी यहाँ तक बाजार वाला घी अच्छा नहीं होता, बन गया। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर चेक कर रहे हैं कि कितना अभी इसमें छानेंगे, टाइम लगने वाला है, छान के दूध अलग हो जाएगा इसका, मिल्क केक दिख भी रहा होगा आपको, घी अलग हो गया है इसका, जलाने से बेकार हो जाता है और ये जो मटेरियल है वो नीचे बैठ गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बना रहे हैं इसको, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और देखिए दोबारा दिखाते हैं घी कहाँ तक पहुँचा हमारा, ये देखिए कितना ब्राउन कलर हो गया इसका, अब ये समझ लीजिए घी हमारा बनके तैयार हो चुका है। पहुँचे अब घी हो गया बनके तैयार, बिल्कुल दिखाएंगे गैस को, हम करेंगे ऑफ,
कितना बढ़िया कलर आया है निकल के। और जब ये छानेंगे फिर दिखाएंगे आपको, इससे ज्यादा करने पर जल जाएगा फिर, कितना प्यारा टेक्सचर आएगा। हम इसको खराब नहीं करेंगे, इसको इसमें भूरा मिलाते हैं और इसको भी हम खा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिल्क केक खा रहे हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ना तो घी को छोड़ो और ना ही इसके टेक्सचर को छोड़ो, दोनों चीजों को खा लेते हैं। ये देखिए अब छान रहे हैं हम घी को, ये देखिए घी घी अलग हो गया हमारा, और जितना भी इसका जो ब्राउन था वो नीचे बैठ गया है। ये देखिए कितना प्यारा घी निकला, एक किलो के आसपास घी निकल जाएगा हमारा। क्या प्यारा घी निकल रहा है जी, बनके हो गया तैयार। सोनी दिखाइए छान के कितना घी हमारा निकला है लगभग। अभी हमें घी दिखाना है कितना निकल गया। छलनी हटाओ जरा, छलनी हटाइए, ये ज्यादा गिर गया, नीचे गिर गया होगा इसके अंदर। देखिए ये देखो 2 लीटर का हमारा है, 2 लीटर में 1 लीटर करीब हमारा घी निकल गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे एक और नई आइटम के साथ, नई जगह पर, नए ब्लॉग में। ये घी बनकर हो गए तैयार। गरम हो रहा होगा अभी, ये कंप्लीट हो गया घी हमारा। किस किस ने ऐसे घर का बना हुआ घी खाया है आप बता सकते हैं। ये देखिए इसमें से घी अभी और भी निकल रहा है। अभी कितनी देर और निकालोगे ऐसे ही घी को। ये देखिए क्या मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, मेहनत भी जरूरी है। किसी काम में जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होता उसका, मेहनत करना बहुत जरूरी है। उसका जो मटेरियल एक जगह कर रहे हैं, घी को एक जगह कर रहे हैं छान छान के। हमारे घरों में ऐसे ही काम होते हैं, कभी घी निकलता है तो कभी केक बनता है। दोस्तों ये देखिए ये सारा हमारा मटेरियल निकल चुका है, इधर उधर प्रोसेस चल रहा है घी निकालने का। मशीन तो हम लोगों के पास है नहीं, तो इसका प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले क्रीम जो होती है उसे पतीले में डालें, धीरे धीरे करके गर्म करें। इसी तरीके से घी निकलता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।